तो अभी गाइस एक और पॉपर्ट हो गया, पता नहीं टायर पंचर हो गया हमारा, इसमें कील घुसी हुई है, पता नहीं कील दिख रही है। देखो गाइस ये कील दिख रही है ना, ये कील। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी गाइस मस्त मैं नहा धोके रेडी हो गया हूँ अपनी लॉन्ग ट्रिप पे जाने के लिए, और सारा सामान भी पैक कर लिया, सारा सामान रख लिया मैंने। ये मेरे पास चार बैग है, लैपटॉप का बैग, कैमरे का बैग, ड्रोन का बैग, और इसमें सारे मेरे कपड़े वगैरह हैं, और ये सारे ट्राइपॉड्स वगैरह हैं। तो फिलहाल अभी खाना खा रहा हूँ, ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, आलू के पराठे मेरी मम्मी ने, तो आलू के पराठे खाते हैं और इसके बाद निकलते हैं सीधा। और गाइस मैं जा कर रहा हूँ लॉन्ग ट्रिप, मैं आपको अभी नहीं बता रहा, मैं यहाँ से अराउंड 700 किलोमीटर दूर जा रहा हूँ, तो गेस करो कहाँ जा रहा हूँ मैं। और साथ में हमारे एक फ्रेंड भी जा रहे हैं, वो हमको रास्ते में मिलेंगे। तो अभी गाइस खाना भी हो चुका है, अब सारा सामान पैक करते हैं फॉर्च्यूनर में। और मैंने बर्तन भी ले लिए हैं सब खाना वाना बनाने के लिए ना, तो एक कुकर ले लिया, एक फ्राई पैन ले लिया, इसमें चाय वगैरह बना लेंगे। सामान तो ऑलरेडी डाल रखा है मैंने इसमें, इसमें सारा खाने पीने का सामान है, ये अपना मैट वगैरह, कुर्सियाँ वगैरह। और मैं देखो ये भी लेके जा रहा हूँ बर्फ के लिए, आपके और बर्फ में दिक्कत नहीं होगी ना, जाने के लिए तैयार, तिलक तैयार। मम्मी आपके लिए क्या लाना है बताओ? बेटा मेरे लिए लाना कुछ नहीं है, तुम बस सही सलामत बढ़िया करके घर आ जाओ, मेरे लिए वही है बस, कुछ नहीं चाहिए मुझे, सब है मेरे पास। निर्मल भैया भी आ गए हैं, वो कह रहे कहीं ऊटपटांग जगह मत जाना। ऊटपटांग? हाँ ऊटपटांग तो जाएंगे, मजाक कर रहा हूँ यार, मैं मजाक कर रहा हूँ। कुनाली और पीयूष गए स्कूल, मैं जा रहा हूँ, ठीक है, मैं कुछ दिनों में आऊंगा फिर, ठीक है, 6-7 दिनों में आऊंगा मैं शायद, ठीक है, अच्छी तरह और ध्यान रखना है। और मैं कभी मैं फोन नहीं करती, तू कर दिया अगर मेरे को, कर दूंगा, कर दूंगा, बाय, ठीक है बेटा, ठीक है, ओके बाय बाबू, बाय बाय ओरी बाय। तो भी गाइस हम निकल पड़े हैं, और इस ट्रिप पे आपको निर्मल भैया, मैं और साथ में दो जने वो देखने को मिलेंगे। दो जने कौन है वो भी रास्ते में मिलेंगे हमको, तो वो दिखाएंगे आपको। ना पीयूष मिलेगा, ना कुनाली, ना साहिल, ना मम्मी पापा, कोई नहीं मिलेंगे। सो लंबी ट्रिप है, सिर्फ हम ही जा रहे हैं, तो देखते हैं क्या क्या होता है, अभी कुछ प्लान नहीं है, लेकिन कहाँ जा रहे हैं वो कल चलेगा पता। आज हम जा रहे हैं चंडीगढ़, आज चंडीगढ़ रुकेंगे, फिर चंडीगढ़ से आगे जाएंगे। तो अभी गाइस सबसे पहले हम जा रहे हैं दिल्ली, तो दिल्ली से हम पिक करेंगे अपने फ्रेंड्स को, फिर वहां से जाएंगे हम चंडीगढ़। गाइस आज का रास्ता बहुत बोरिंग होने वाला है, देखो पूरी सीधी सीधी रोड है, चलाने में भी बोर लग रहा है, लेकिन कल से पहाड़ आ जाएंगे, कल से इंटरेस्टिंग रास्ता आएगा। गाइस ऐसी रोड में चलाने का ना मजा नहीं आता, मतलब सीधा चलते रहो बोरिंग सा लगता है, लेकिन पहाड़ों में जाता है जहाँ बर्फ हो, जहाँ ऑफ रोडिंग हो, जहाँ मस्त मस्त व्यूज हो ना, वहाँ मजा आया चलाने में। तो भी गाइस रुके हैं पेट्रोल पंप पे डीजल भराने के लिए, और इस ट्रिप पे मैं आपको बताऊंगा कि मेरा कितना टोटल पेट्रोल लगा, मतलब इस ट्रिप पे जितने भी दिन हम रुकेंगे। तो हाँ अभी 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 फुल करा रहा हूँ मैं, फुल होती है इसके अराउंड 6,000 फुल होती है, तो देखते हैं कितना पेट्रोल लगेगा। मतलब हर ट्रिप पे अराउंड 30,000 का पेट्रोल लग जाता है हमारा, 30,000 का। बाय द वे गाड़ी देखो भाई क्या मस्त लग रही है, एकदम चमक रही है, लेकिन ये कल पूरी गंदी हो जाएगी, आज देखो चमक रही है, कल पूरी गंदी हो जाएगी। जैसे हम पहाड़ों पे एंटर करेंगे ना पूरी गंदी हो जाएगी, देखना वहाँ पे पूरी धूल धूल होती है ना, ऊबड़ खाबड़, तो गंदी हो जाएगी, लेकिन बर्फ में जाके ठीक हो जाएगी। अच्छा आप गाड़ी मुड़ी थे, आप चला रहे थे, मैं तभी देख लिया। जानते हो मुझे? अरे और क्या, अरे जानते हो भैया, कह रहे पेट्रोल में डिस्काउंट। अच्छा पेट्रोल में डिस्काउंट दे रहे हो? कोई नहीं कुछ मत देना, हैं मैं दे लूंगा, कुछ मत दो यार, कुछ मत दो, देख रहे हो गाइस, देख रहे हो, कह रहे कुछ मत दो, मैं देख लूंगा। तो भैया हमारे सब्सक्राइबर भैया पूरा 100% डिस्काउंट दे दिया भैया ने हमको, होने वाला है, हो गया होगा, बस बस ज्यादा नहीं बढ़िया। अभी सब्सक्राइबर हो गाइस, पेट्रोल के बदले हमने फोटो खिंचवाई है, मजाक कर रहा हूँ गाइस, पेमेंट करिए। तो गाइस डीजल आया 5,729 रुपए का, और पैसे दिए हैं मैंने, ये मैं तो पैसे नहीं दिए, मजाक कर रहा था मैं, ऐसे नहीं करता मैं। काफी लोग बोलते हैं, काफी स्कैमर होते हैं, मैं रेस्टोरेंट्स में जाता हूँ, बहुत जगह जाता हूँ कि पैसे मत दो पैसे, लेकिन मैं हर जगह दे के आता हूँ, ऐसा नहीं कि बोलते हैं, उनका बड़प्पन होता है, अच्छा लगता है, काफी बोलते हैं, इतना काफी होता है मेरे लिए, मैं लेकिन दे के आता हूँ सब जगह यार। तो अभी गाइस एक और पॉपर्ट हो गया, पता नहीं टायर पंचर हो गया हमारा, इसमें कील घुसी हुई है, पता नहीं कील दिख रही है, और पूरी हवा निकल गया भाई टायर की, देखो देखो ये कील दिख रही है ना, ये कील घुसी हुई है यहाँ पे, और भाई पूरी हवा निकल गया, देखो भाई ये भी अभी होना था। तो गाइस ये टायर देखो पूरा पिचक गया यहाँ पे, यहाँ से पूरा पिचक गया। गाइस हवा भरने वाला मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था, तो मेरे पास है इलेक्ट्रॉनिक वाला, नहीं तो अभी भर रहे होते हैं हम ऐसे, अब लेके कैसे जाते हैं भाई इसको, तो चलो अब निकालते हैं, अब हवा भरते हैं इसमें। ये भी डेंजरस लग रहा है मुझे तो भाई, ये देखो ये भी निकला हुआ है, और यहाँ भी क्रैक है देखो, और देखो यहाँ भी क्रैक है भाई। गाइस पता नहीं क्या हो गया, अभी तक हमारी ट्रिप स्टार्ट भी नहीं हुई है, अभी से पॉपट हो रहे हैं, टायर में कील घुसी हुई है भाई पूरी, और फटा भी हुआ टायर दो जगह से, गाड़ी ना अनबैलेंस ही लगी, मैंने रुक के देखा भाई पूरा हवा निकल रही है, पंचर हो रखा है भाई साहब, हाल देखो टायर का क्या हाल हो गया भाई। ऑनलाइन पे ऑर्डर किया था ना, कहाँ रखा था ये रहा, ये रहा, मैंने आज तक यूज़ भी नहीं किया, एक बार भी यूज़ नहीं किया मैंने। चलो उद्घाटन हो गया इसका फिर, खुल गया। पता नहीं काम करेगा नहीं करेगा, पॉपट हो ये भी खराब निकले भाई, ऐसा मैं कोई भी चीज़ लेता हूँ खराब निकलती है मेरी। तो गाइस ये चीज़ है हवा भरने वाली, पता नहीं इसको क्या क्या बोलते हैं इसको, टायर हवा भरने वाला हवा भरने वाला, देसी लैंग्वेज में हवा भरने वाला। तो ये लगेगा यहाँ पे, ये यहाँ पे लग जाएगा, घुस जा। अब ये भी नहीं पता कितनी हवा भरनी है, चलो ये सब चीजें एक्सपीरियंस से आती है ना हमको, इसमें हमको सेट करना है कितनी हवा भरनी है। 35 PSI
अरे हाय सब्सक्राइबर, हाय कैसे हो, कहाँ से आ रहे हो? मैं तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, मेरा पंचर हुआ। अगर मेरा पंचर नहीं होता तो मैं तुमको नहीं मिलता। पंचर को थैंक यू बोलो, पंचर को थैंक यू बोलो। अरे सच्ची में बोल रहे हैं, ये लगा दिया है। फोन लाए हो? फोन कहाँ है? फोन फोन नहीं है, ठीक है। अब जल्दी से इसका पंचर लगवाना पड़ेगा हमको भाई। अब तो रात को पहुँचेंगे हम 10-11 बजे तक चंडीगढ़, बहुत लेट हो गए। लेकिन चलो कोई बात नहीं, हमारे पास हवा भरने वाला था, हम हवा भर रहे हैं। फिर पंचर भी, अभी पंचर भी लगवाना है भाई। पंचर लगवाने के लिए रुकना पड़ेगा, अभी भूख भी लग रही है, खाने खाने के लिए रुकना पड़ेगा। भर रही है, भर रही है। अभी हम मेन हाईवे पे, यहाँ कोई पंचर वाला भी नहीं मिलेगा। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, अभी पंचर भी लगवाना है भाई, पंचर भी। नाचो चलो। तो भाई जब लग रही है भूख, तो पहले कुछ खा लेते हैं, फिर चलेंगे। अब आराम आराम से जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चल रात को ही पहुंचेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले कुछ खा लेते हैं, भूख लग रही है यार। तो भी गाइस हमको इस वाले पुल के ऊपर जाना है, ये दिख रहा है ना, इस वाले पुल के ऊपर। कुछ खाने का, कुछ खाने का। तो छोले कुलचे ही खा लेते हैं, छोले कुलचे खा लेते हैं। चलो अब मेरा ध्यान वो टायर पे ही है, टायर में जो कील घुसी हुई है ना, उस पर ध्यान है मेरा कि वो कील कैसे निकले और पंचर बने। ठंडे दिमाग से काम करेंगे, पहले कुछ खा लेते हैं, बिकॉज बिना खाए भी दिमाग काम नहीं करता ना फिर। तो भी गाइस हमारे छोले कुलचे आ गए हैं मस्त भाई, खाते हैं, बहुत भूख लग रही है। तो भी गाइस खाना पीना हो गया मस्त, तो फिलहाल वेट कर रहे हैं पारस भैया का। पारस भैया और स्नेहा दो जने आ रहे हैं, तो हम चार जने जाएंगे, निर्मल भैया, मैं, पारस भैया और स्नेहा। गाइस अभी धीरे धीरे इसकी हवा कम हो रही है, देखो अब कम होगी ना थोड़ी। गाइस इसीलिए हम थार में नहीं आए, बिकॉज हम चार जने हैं ना, तो चार जने थार में नहीं जा सकते। ऊपर सामान भी है, कैंपिंग का सामान है, बहुत सारा सामान है, तो उसके लिए फॉर्चुनर ही सही है चार जनों के लिए ना। तो थोड़े बहुत स्नैक्स वैक्स निकाल लेते हैं, तो ये नाचोस वगैरह खा लेंगे, ठीक है। कोसिया जो भी है, हाँ लस्सी पीते हैं एक। तो फाइनली पारस भी आ चुके हैं इस गाड़ी में। कील निकालनी है, कील निकालनी है, कील निकाल के, कील अभी नहीं निकालेंगे, लेकिन कील अभी अगर अभी निकाल देंगे तो हवा निकल जाएगी, अभी नहीं निकालेंगे। भाई सामान भरा हुआ है हमारा, वो ये क्या है, ये तो घर का सामान है पूरे। हाँ सारा सामान, मैं भी देखो प्याज टमाटर आलू चावल किर्ची सब कुछ ले आई। ये तो हम भी लाए हैं प्याज टमाटर, तो रखो रखो रखो। ये तो ब्रेड ब्रेड दुकान खोलने जा रही है क्या कहीं पे? अरे रखो तो सही, पूरा राशन लेके चलो। गाइस पूरा भर दिया, देखो चार जनों का सामान विद राशन पानी। चलो भाई अब चलते हैं, फाइनली पारस भैया मिल चुके हैं। और आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? बिल्कुल नहीं, मैं आगे बैठूंगा। तो भी गाइस मस्त हाईवे पे पहुंच चुके हैं, तो यहाँ से जाना है हमको सीधा। और यहाँ पे हम थोड़ी भगा सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी नहीं भगाऊंगा यार, वैसे भी पंचर हो रखा है इसमें भाई, पंचर में तो कैसे भगाऊंगा मैं। पहले पंचर ढूंढना, कहीं पंचर मिलेगा भाई। 50 किलोमीटर तक कोई पंचर वाला नहीं है। तो भी गाइस चलते चलते अंधेरा हो गया है, और अभी 124 किलोमीटर बाकी है, और अभी तक हमने पंचर नहीं लगवाया, तो पंचर वाला ढूंढते हैं, कोई पंचर वाला मिल जाए ना, पंचर लगवा लेते हैं पहले। तो भी गाइस फाइनली पंचर वाले भैया मिल गए, और ये भी हमारे सब्सक्राइबर है भाई, इन्होंने पहचान लिया मुझे। हर रोज देखता हूँ। रोज देखते हो? और ओ भाई 8 बजे से पहले आता है आपका ब्लॉग। हम पता है पंचर वाले भैया ढूंढ रहे थे, और आप ही मिले थे। काफी दिनों सोच रहा था आएंगे आएंगे, कभी तो पंचर होएगा गाड़ी में। अच्छा आप सोच रहे थे? आप सोच रहे थे कि आप, फिर तो आपकी वजह से पंचर हो भाई, आप भगवान ने आपकी सुन ली। भाई कह रहे कि मैं तो सोच रहा था कि भाई का पंचर हो, और भाई आए पंचर लगवाने। देख लो भाई, मतलब भगवान, अगर भगवान से दिल से मांगो ना तो भगवान सुनते हैं भाई। अच्छा लगा यार आपसे मिलके, आपकी स्माइल देख के मजा आ गया। यकीन नहीं हो रहा, यकीन नहीं हो रहा, मैं यकीन नहीं हो रहा। अरे यार मेरे को भी यकीन नहीं हो रहा मेरे साथ में ऐसा हो सकता है। गाइज आज ना एक चीज बिलीव हो गया कि भगवान से अगर दिल से कुछ मांगो ना तो पूरा होता है। जैसे पंचर वाले भैया ने दिल से मांगा कि मेरा पंचर कभी हो तो मैं इनके पास आऊँ, और लिटरली मैं उत्तराखंड से अभी मैं मतलब चंडीगढ़ पहुंचने वाला हूँ, इतनी दूर कहाँ मेरा पंचर होना, मैं इतनी देर से ढूंढ रहा हूँ, दुकानें बंद मिल रही हैं, और मैं इन्हीं के पास आया, और इतना खुश हो के कह रहे कि मैं प्रे करता था भाई। मतलब तो स्नेहा अभी तो मस्त सोते हुए आ रहे हैं, बहुत नींद, पता ही नहीं चला ना। बिल्कुल। तो ये भैया कील निकाल रहे हैं, ओ भाई निकल गई कील, ओ भाई। तो कही जी निकल चुकी कील, देखो ये कील थी उसके अंदर। तो फाइनली पंचर लग चुका है देखो। नहीं नहीं कोई नहीं, ऐसा थोड़ा ना होता है। कितने हो गए बताओ ना? बस कितने हो गए? फ्री का कुछ नहीं होता? नहीं, नहीं, नहीं। अरे नहीं नहीं, तो ये भाई मना कर रहे हैं पैसों के लिए, लेकिन हम दे के जाएंगे इनको पैसे। तो भी गाइस भाई लाए हैं, क्या लाए हैं? दही बल्ले और टिक्की। दही बल्ले और टिक्की इतने। तो भी गाइस पंचर लगा के और खाना पीना खा के निकल गए हम। 134 किलोमीटर रह गया, 2 घंटे 22 मिनट। तो फाइनली गाइस चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं, और अभी हम आए यहाँ के सबसे बड़े मॉल पे, एलांटे मॉल पे। तो गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर दी है, तो अब चलते हैं मॉल में। ये मॉल है, तो फर्स्ट टाइम जाएंगे यहाँ पे, और थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह करेंगे, और फिर चलेंगे होटल। यहाँ पे आई लव चंडीगढ़ भी है देखो, मॉल के बाहर ही। चलो भाई मॉल के अंदर आ गए। कैसे हो? हाय बढ़िया। मेरा भाई फोटो खिंचवाने जाता
भाई ये जारा है क्या है देखना भाई, ऐसा लग रहा है चंडीगढ़ का मेट्रो स्टेशन है। देखो भाई लेकिन ये जारा है, इतनी ज्यादा भीड़ हो रही है ना, ऐसा लग रहा है मेट्रो स्टेशन है भाई। देखो देखो मतलब भाई इतने महंगे कपड़े मिलते हैं यहाँ पे, फिर भी देखो इतनी भीड़। तो भाई जारा से तो आगे मतलब कुछ भी नहीं लिया, इतनी ज्यादा भीड़ हो रही है ना भाई, समझ में नहीं आ रहा क्या ले, और इतनी ज्यादा मतलब कपड़ों के लिए मारा मार हो रही है अंदर। तो भी गाइस हम आए हैं वेस्ट साइड में, और देखो भाई यहाँ तो लिटरली पूरा खाली पड़ा है, यहाँ कोई नहीं आया खरीदने के लिए। मतलब जारा की आजकल बहुत वैल्यू है, मतलब जारा में जो कपड़े मिलते हैं ना, जब महंगे मिलते हैं बट फिर भी इतनी भीड़ है भाई देख लो। तो भी गाइस मॉल से बाहर निकल गए, अब चलते हैं सीधा होटल। तो भी गाइस हम डोल रहे हैं, होटल ढूंढ रहे हैं, मतलब पिछले एक घंटे से हमको होटल ही नहीं मिल रहा भाई, फाइनली होटल मिल गया, रात के 12 बजने वाले हैं। चलो अब चलते हैं जाके एडिट करेंगे, आज पूरा दिन सुबह से ड्राइव कर रहे हैं बस भाई। अरे रूम तो सही है यार, तो फिलहाल खाना ऑर्डर करते हैं, एडिटिंग करते हैं और फिर सुबह निकलेंगे यहाँ से। आज का दिन काफी हेक्टिक था गाइस, बहुत हेक्टिक था आज का दिन बहुत। गाइस रात के 12 बज गए, अब एडिटिंग शुरू करूंगा मैं और खाना मंगा दिया फाइनली। तो भी गाइस खाना भी आ गया और टाइम देखो भाई 1 बजने वाले हैं और यहाँ पे एडिटिंग ही चल रही है मेरी। तो भी गाइस बहुत बड़ा पॉपआउट हो गया, हमने खाना कुछ मंगाया और आया कुछ और है भाई, हमको गलत ऑर्डर भेज दिया। बिल्कुल गलत है भाई सब कुछ, हमने कुछ और, इसको नान कहते हैं क्या भाई, कुछ और ही भेज दिया हमको। देखना हमने नान मंगाई थी और दाल की जगह पता नहीं कौन सी सब्जी, बटर रोटी की जगह क्या है, बटर रोटी की जगह पता नहीं क्या, रोटी वो भी बिना बटर की। अबे यार इतनी भूख लग रही थी, जिससे हमने ऑर्डर किया ना वहां का खाना ही नहीं है, चावल तो मंगाए नहीं हमने। देखो क्या है चावल, देखो आधे लग रहा है आधे खा गया बीच में से। अबे यार सच्ची भूख लग रही थी क्या भाई, इससे अच्छा तो हम वो बना लेते अपना क्या है। अरे हाँ खाना इससे अच्छा तो हम बना लेते, हम खाना लेके आए थे सच में भाई, बहुत अच्छा बनता टेस्टी भी। अबे यार ये खाना नहीं है वहाँ का, ये खाना नहीं है भाई यार, भूख लग रही थी, रात के 1 बज रहे हैं। गाइज मैं यहाँ पे एडिटिंग में बैठा हूँ, सोच रहा हूँ खाना आएगा, खाना खाएंगे और खाना आया और ये देखो भाई, अब मेरे को अपने चैनल का नाम पोपट रखना पड़ेगा। पोपट होता ही होता है, मैं क्या कर, अब गाइज हमारी क्या गलती थी इसमें यार, खाना क्यों गंदा आया होगा यार, क्या ही कर लेंगे, भूख लग रही है। रिफंड तो लूंगा, पैसे तो आएंगे, खाना तो नहीं मिलेगा, रुपए लगे हैं पूरे इतने सारे। मेरा तो सिर दर्द हो रहा है, अब मेरा सिर चकरा रहा है भाई। मैम मैंने ऑर्डर किया था, वो सारा ऑर्डर ही मेरा गलत आया है। हाँ जी मैम आप फोटोज देखो, मैंने बटर नान ऑर्डर किया हुआ है, बटर नान नहीं आया है, सिंपल रोटियां आ रखी हैं, बटर रोटी ऑर्डर किया है, तवा रोटी आ रखी है, रुमाली रोटी ऑर्डर किया है, रुमाली रोटी का पता नहीं क्या अजीब सी चीज आ रखी है। ऐसी हुआ तो ठीक है, भूख लगी है उसका क्या करें। भाई खा क्यों रहे हो भाई, भूख लगी है भाई, बहुत तेज चक्कर आ रहे हैं। भाई आज भूख का सोना पड़ेगा, हमारे फॉर्चूनर में पूरा खाना भरा हुआ है भाई। तो भी गाइस हमने सारे पैसे वापस ले लिए जोमेटो वालों से। तो भी गाइस 3 ऑर्डर और कर दिए, देखते हैं अब सही माल आता है नहीं आता। तो भी गाइस खाना तो आया नहीं, लेकिन मेरी एडिटिंग कंप्लीट हो गई है, तो मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ, खाना पीना खा लेंगे। आइसक्रीम आ गई, आइसक्रीम मंगाई थी इन्होंने, तो चलो फिर सुबह हमको निकलना भी है, तो कल हम यहाँ से जा रहे हैं मस्त पहाड़ों पे, तो गैस करना हम कहाँ जा रहे हैं। तो चलो फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, हम तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं ट्रिप को, मतलब व्लॉग थोड़ा कम कर रहा हूँ लेकिन हम इंजॉय फुल कर रहे हैं। तो हाँ पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। क्या हुआ भाई सॉक्स क्यों सूंग रहे हो फिर मैं अबे यार गई आज तो मत हंसा के मार दिया इन्होंने।